सो गाइस मैं जा रहा हूँ अकोला क्योंकि मेरे कजन भाई की शादी है और बाइक से निकल रहा हूँ गाइस। सो गाइस मिलता हूँ मैं आप सबसे सीधा रोड पे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। तो गाइस बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि मेरा जो है फाइनल ईयर चल रहा है इंजीनियरिंग का और एग्जाम्स भी चल रहे थे मेरे, अभी भी मेरे 4 पेपर बचे हुए हैं गाइस, ये शुरू हो चुकी है। तो गाइस ये जो रोड आप देख रहे हैं ये है अमरावती रोड और पर एक्सीडेंट तो मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस, संभल कर मुझे गाड़ी चलानी पड़ी। मॉर्निंग गाइज दिस इज़ मी राइडर बॉय वैभव एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो गाइज मैं जा रहा हूँ अकोला क्योंकि मेरे कज़न भाई की शादी है। गाइज मैंने सोचा कि आप सबके लिए जो एक व्लॉग भी बना लिया जाए, सो अभी फिलहाल निकल रहा हूँ मैं अकोला के लिए, बाकी बाइक से निकल रहा हूँ गाइज मैं और बाइक से निकल रहा हूँ गाइज मैं देख सकते। सो गाइज मिलता हूँ मैं आप सबसे सीधा रोड पर, चलिए कंटिन्यू करते हैं राइड को। सो चलिए गाइज तो निकल रहा हूँ गाइज इस वक्त मैं अकोला के लिए, तो चलिए मिलता हूँ मैं आप सबसे सीधा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी इस राइड को। हम लोग अकोला की ओर देख सकते हैं, आज आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाने वाला हूँ गाइस रास्ते में, बाकी देख सकते हैं गाइस अपनी जर्नी शुरू हो चुकी है। सो गाइस ये जो रोड आप देख रहे हैं ये है अमरावती रोड और यही रोड जो है गाइस अकोला की ओर जाता है, तो हम लोग जा रहे हैं आज अकोला क्योंकि मेरे कज़न भाई की जो है शादी है गाइस। तो बहुत दिनों बाद मैं लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ गाइस और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अभी समय हो चुका है शाम के 4 और मैंने सोचा कि चलिए आप सबके लिए जो है ब्लॉग बनाया जाए आज, बहुत ही अच्छा बेहतरीन ब्लॉग आज आप सभी के लिए बनाने वाला हूँ भाई। तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस, संभल कर मुझे गाड़ी चलानी पड़ी। लोग यहाँ कहीं बाइक को रोक देते हैं और देखते हैं गाइस कि अपोलो की ओर जो कौन सा रोड जाता है। तो हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं गाइस, कोई गड़बड़ी नहीं है।
सही जा रहे हैं हम लोग, यही रोड से गाइस अपन लग के और जाता है। और यार ब्रेकर्स बहुत ही ज़्यादा है तो मुझे एकदम संभाल के बाइक चलानी पड़ेगी, क्योंकि इन ब्रेकर्स की वजह से जो है बाइक की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है गाइस। मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक को कुछ हो उसका जल्दी, देख सकते हैं आप कितने ख़तरनाक ब्रेकर में गाइस। धीरे धीरे चलना पड़ेगा हम लोग को, बड़े बड़े ड्रम भी जाते हैं। गाइस बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, उसके लिए आप रियली सॉरी, क्योंकि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि मेरा जो है फाइनल ईयर चल रहा है इंजीनियरिंग का, और एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे मेरे, अभी भी मेरे 4 पेपर बचे हुए हैं गाइस, जो कि 29 तारीख से है। बाकी अभी शादी है इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके लिए जो ब्लॉग बना लिया जाए। लेकिन गाइस मैं आपको आप सबसे वादा करता हूँ कि जैसे मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 4 मई को जो है मेरे पेपर जो है ख़त्म हो रहे हैं, तो उसके बाद से जो है मैं आप सभी के लिए रेगुलर मोटो ब्लॉग्स लाने वाला हूँ गाइस। ऐसे ही लॉन्ग राइड के जो है वीडियोस मैं आप सबके लिए लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसीलिए गाइस आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग्स आपको जो है आगे चल के मिलने वाले हैं गाइस, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप। देख सकते हैं आप टोल नाका आ चुका है गाइस, क्रॉस कर लिया है और निकल चढ़े फिर से अपनी जर्नी पे। तो गाइस मुझे पता है कि मैं YouTube में जो है सक्सेस हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कॉलेज की वजह से जो है मैं YouTube पर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट मेरी एग्ज़ाम होने के बाद जो है मैं अपना पूरा टाइम जो है YouTube को दूंगा, क्योंकि मुझे YouTube के पूरे एल्गोरिथम के बारे में पता है गाइस। 4 साल से मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ तो मुझे सब कुछ पता चल गया है कि कैसे वीडियो पे टैग लगाई जाती है, कैसे थंबनेल लगाए जाते हैं, कैसी वीडियो जो है रैंक होती है, ये सब चीज़ें मुझे पता है। तो मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ गाइस, इसलिए मैं YouTube को जो है फुल टाइम करने वाला हूँ। अभी देख सकते हैं एक बस जा रही है आगे, पेट्रोल पंप के इधर आजू बाजू में गाइस। और धूप तो इतनी ज़्यादा तेज़ है गाइस कि क्या ही बताऊँ मैं आप सबको, मैं वाइज़र लगाना तो चाहता हूँ लेकिन दिक्कत ना हो जाए इसलिए वाइज़र नहीं लगा रहा। देख सकते हैं कितने खतरनाक स्पीड में कर रहे हैं, ऐसे स्पीड ब्रेकर से तो पूरी गाड़ी की वहाँ बहने को जाएंगे गाइस। मेरी न्यू गाड़ी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक की कंडीशन ख़राब हो जाए। बाकी देख सकते हैं आप ट्रक वक भी चलते रहते हैं, इसलिए मुझे एकदम ध्यान से बाइक चलानी पड़ेगी गाइस, क्योंकि ये हाईवे रूट है, ट्रक वाले बहुत गंदे तरीके से जो है गाड़ियाँ चलाते हैं आपको तो पता ही होगा।
कुछ इस तरीके से जो है नज़ारे देख सकते हैं आप। ये अमरावती हाईवे है, पूरी मेरे सर पे आ रही है भाई। वाइजर लगा ही लेता हो
जाते हैं गाइस, देख सकते हैं आपके तरफ ढाबा है।